वेटिंग 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 वेटिंग, बस यही सवाल दिमाग में। अब आ गए ना इस चैनल पे, तो देख के जाना भाई। नमस्कार, जय हिंद प्यारे दोस्तों सभी को। जो वेटिंग से रिलेटेड कुछ असमंजस है दिमाग में आपके साथ कि सर वेटिंग कितनी आएगी, वेटिंग कब आएगी, जयपुर से कितनी आएगी, कट ऑफ कितनी जाएगी, क्या यार कितने सवाल है यार तुम्हारे दिमाग में। चलते हैं फिर आज आपके सारे सवालों का जवाब देते हैं। तो मैं पहला प्रश्न रहता कि वेटिंग आएगी कितनी भाई, ये तो बताओ वेटिंग आएगी कितनी। तो भाई साहब जैसे पीआर भाई ने कहा, वो भी वही जवाब मेरा है कि लगभग 900 से प्लस प्लस वेटिंग आएगी, ये तो कन्फर्म है। अब आपको कहोगे सर जोड़ने पर भी नहीं हो रहा इतना, तो भाई मैं बता रहा हूँ ना क्या हो रहा है। 900 प्लस वेटिंग कैसे आएगी, मान लो जयपुर के कितने कैंडिडेट अभी एब्सेंट थे भाई, कितने हैं, 161 तो फुल है एब्सेंट है, कोई भी इसमें प्रेजेंट नहीं होगा, 0% चांस है कि कोई प्रेजेंट इसमें हो जाए, क्योंकि नौकरी सबको प्यारी होती है। अगर आपका सिलेक्शन होता तो क्या आप पहली बार में नहीं जाते, ये कमेंट में ज़रूर बताना कि आपका अगर सिलेक्शन हुआ तो आप पहली बार में नहीं जाओगे क्या। अगर आपको ज्वाइन करना है तो आप ज़रूर जाओगे, जाओगे कि नहीं जाओगे। तो बस यही है, 161 तो ये है, समझ रहे हो। 161 के बाद में कुछ ऐसे कैंडिडेट्स हैं जिन्होंने अपना डीवी करा लिया, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करा लिया है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवा लिया, लेकिन वो जाना नहीं चाहते। तो मैं जयपुर के लिए तो कंफर्म बता दूं कि अब से कम 20 प्लस कैंडिडेट और ऐसे मिलेंगे आपको जो ज्वाइन नहीं करेंगे, 101% श्योर हूँ मैं। तो टोटल मैं कहूँ तो टोटल जो है, टोटल जो जयपुर है, जयपुर से लगभग 190 के आसपास क्या रहेगी, वेटिंग रहेगी। और जिलों की बता दूँ तो और जिलों की क्या है, वेटिंग है जयपुर, जोधपुर की है, मैं पीआर भाई ने कहा है 55 है, तो लगभग 55 तो ये है, और 5 या 6 इसमें कैंडिडेट, और मान लो लगभग 60 के आसपास इसकी वेटिंग आएगी जोधपुर की। लगभग इसी, अगर आप कहीं किसी बटालियन किसी जिला दूसरे जिला से हो तो आप वहीं पे सोच लेना कि मान लो वहाँ पे कोई 10 वेटिंग है तो आप वहाँ पे 1 या 2 एक्स्ट्रा ले सकते हो कि इतनी वेटिंग और जा सकती है। लेकिन अब दूसरा सवाल है कि वेटिंग आएगी कब भाई, वो तो ठीक है वेटिंग तो ठीक है, लेकिन आएगी कब मेरे भाई। अरे भाई अभी तो जयपुर का है ना, जयपुर का पूरा प्रोसेस ही नहीं हुआ भाई, जयपुर का प्रोसेस होगा तो आएगी ना वेटिंग भाई। जयपुर का प्रोसेस नहीं हुआ सर, हाँ भाई नहीं हुआ, कैसे, अरे भाई अभी तक जयपुर के, आप खुद बताओ जयपुर के कितने कैंडिडेट्स को बुलाया गया है ज्वाइन करने के लिए, आप बताओ मुझे, खुद बताओ हैं। जयपुर के टोटल 214 कैंडिडेट्स को भी बुलाया गया है, कितने कैंडिडेट थे, 801, जिसमें से 161 एब्सेंट थे। लगभग 600 कैंडिडेट तो यहाँ पर क्या करेंगे, ज्वाइन करेंगे, तो 214 हो गए, तो 3 पार्ट में इनको डिवाइड किया गया है, 3 पार्ट में इनको डिवाइड करके इनको क्या कराएगा, ज्वाइन कराया जाएगा। और इनको जो ज्वाइन करवाया जाएगा लगभग मैं कह सकता हूँ कि शनिवार से पहले पहले इनको ज्वाइन करवा दिया जाएगा। आज क्या है, आज है सोमवार, तो शनिवार से पहले पहले इनको ज्वाइन करवाया जाएगा, जो पूरे कैंडिडेट्स हैं इनको पूरे को ज्वाइन करवा दिया जाएगा शनिवार से पहले पहले। अब फिर कहेंगे वेटिंग के बारे में, तो वेटिंग कब तक आएगी, तो मैं कह दूँ जो फेब है ना, फरवरी का जो टोटल वर्क हो चुका, ज्वाइन हो चुकी, उनकी फर्स्ट वीक से, फरवरी के फर्स्ट वीक से शुरू होगी। लेकिन जयपुर की तो भैया फरवरी के थर्ड वीक तक जा सकती है, जयपुर की तो भाई साहब फरवरी के थर्ड वीक तक जा सकती है, ये सत्य है ये प्रमाणित है। अरे तो भाई जयपुर की कितनी जा, कब तक, थर्ड वीक तक, बिल्कुल भाई साहब फरवरी के थर्ड वीक तक जयपुर की वेटिंग लिस्ट जा सकती है। आप सभी परेशान नहीं हो यार, आपने अगर वेटिंग में आने की सपने देख रहे हो तो इसका मतलब आपने तो एग्ज़ाम क्रैक किया है, एग्ज़ाम तो क्रैक किया है ना, तो भाई एक और एग्ज़ाम क्रैक करो, वेटिंग के झांसे में मत रहो भाई। वेटिंग तो आएगी, कन्फर्म आएगी, लेकिन आप
अपनी तैयारी में लगे रहो भाई। क्यों यार बार बार वेटिंग वेटिंग करते रहते हो, वेटिंग तो कन्फर्म आएगी, वेटिंग में सिलेक्शन होना है तो हो जाएगा, लेकिन दूसरी भर्ती अगर पास होगी तो अपना ही नाम ऊंचा होगा यार भाई, क्यों यार तुम। अब मैं बता दूं कि जयपुर की जो फाइनल मेरिट है वो कितनी अब बढ़ सकती है। तो जयपुर की जो फाइनल मेरिट है ना, जयपुर की मेरिट मेरे जो भाई है वो अभी जयपुर आयुक्तालय से ही कनेक्टेड है, मतलब उस टीम में जॉब कर रहे हैं। तो जयपुर आयुक्तालय के लगभग मेरे भाई ने बताया, मैं फिजिकल के नंबर नहीं जोड़ रहा हूँ, ध्यान रखना 23 नंबर नहीं जोड़ रहा हूँ फिजिकल के। इसके अलावा बता दूँ जो कट ऑफ थी वो थी 94 पॉइंट समथिंग थी, तो वहाँ पे भाई ने बताया कि लगभग 102 से 103 के लगभग कट ऑफ गई है। तो मैं कह सकता हूँ कि लगभग 8 से 9 नंबर कट ऑफ बढ़ी है, 8 से 9 नंबर कट ऑफ बढ़ी है, पक्की बात है। तो 8 से 9 नंबर बढ़ी है, तो मैं ये कह दूँ कि अगर आपके 102 से 103 मान लो अगर आपके नंबर है 99 100, तो आपके चांस है, और 101 वाला तो 100% सिलेक्शन होगा, 101 वाला तो 100% सिलेक्शन होगा, बिल्कुल सिलेक्शन होगा। बात करते हैं आगे, जयपुर में मान लो जनरल की कट ऑफ ज़्यादा नीचे जाएगी, क्यों भाई ओबीसी कट ऑफ ज़्यादा नीचे जाएगी, क्यों भाई, क्योंकि सीटें ज़्यादा है तो ओबीसी कट ऑफ ज़्यादा जाएगी। एस सी एस टी की कट ऑफ मात्र 1 से 1.5 नंबर बढ़ेगी, कन्फर्म है, 1 से 1.5 नंबर बढ़ेगी, ज़्यादा नहीं सॉरी घटेगी, बढ़ेगी नहीं घटेगी, 1 से 1.5 नंबर घटेगी बस, और कुछ नहीं हो सकता। बाकी जनरल की तो अगर सीटें ज़्यादा है तो जनरल में लगभग 3 नंबर भी घट सकती है भाई, जनरल में 3 नंबर भी घट सकती है, ओबीसी जनरल में दोनों में। बाकी SC ST में 1 से 1.5 या मैक्सिमम तक दो नंबर घटेगी। अगर आपके इस क्राइटेरिया में नंबर है तो आप ज़रूर उम्मीद रखिए कि आपका सिलेक्शन हो जाएगा। बाकी आपको एक छोटा भाई या बड़ा भाई मानिए, मैं ये कहना चाहूँगा कि यार नई भर्ती की तैयारी में लग जाओ यार, क्या पढ़ा है वेटिंग में यार। तो यही कहना था कि वेटिंग तो कन्फर्म आएगी, लेकिन ये फेब के फर्स्ट वीक से आना शुरू होगी, फेब के फर्स्ट वीक से आना शुरू हो जाएगी वेटिंग। ओके, अब और कितना टाइम मैंने बता दिया, फेब के फर्स्ट वीक से आना शुरू हो जाएगी, नो टेंशन भाई, तैयारी में लग जाओ, समझ रहे हो मेरी बात को, तैयारी में लग जाओ। मैंने बता दिया 900 प्लस वेटिंग आएगी जयपुर से, लगभग 190 से 200 के बीच में वेटिंग आएगी। जनरल वाले अगर 2 या 3 नंबर नीचे है तो तैयार रहें, और SC ST वाले 1 से 1.5 या मैक्सिमम 2 है तो तैयार रहें। जय हिंद दोस्तों।